हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। यहाँ पर हमें एक क्रिकेट मैच के 11 प्लेयर्स का स्कोर दिया गया स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर द थ्री सेम। यानी हमें इस डेटा का मीन, मोड और मीडियन निकालना है, और फिर ये भी चेक करना है कि मीन, मोड और मीडियन सेम है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस डेटा का मीन फाइंड करेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम चाहिए, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ अपॉन में हम लिखेंगे 11। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 429। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 429, अपॉन में जो ये 11 है ये यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। अब हमें 429 को डिवाइड करना है 11 से। 429 और 11 आपस में सॉल्व किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों ही 11 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 11 से काटेंगे। देखिए, 11 वन दा 11, 11 थ्री दा 33, 42 में से 33 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 9 एंड 9, 99, और 11 9 दा 99 होता है। तो जब हमने 429 को 11 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला है 39। तो मीन हमें मिल गया स्टूडेंट्स 39, तो यहां पर हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 39। अब हम मीन तो निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, अब हमें मोड और मीडियन निकालना है, और हम जानते हैं कि अगर हमें किसी डेटा का मीडियन निकालना है तो हमें उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू है 6, और 6 एक बार आया है, तो यहाँ पर हमने 6 को एक बार लिखा है। 6 से बड़ी वैल्यू इस डेटा में है 8, और 8 भी यहाँ एक बार आया है, तो 8 को हमने यहाँ एक बार लिखा। 8 से बड़ी वैल्यू इस डेटा में है 10, और देखिए 10 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि दो बार, तो यहाँ पर हमने 10 को दो बार लिखा है। 10 से बड़ी वैल्यू इस डेटा में है 15, और देखिए 15 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ पर हमने 15 को तीन बार लिखा, एक बार, दो बार और यहाँ पर तीन बार। इस डेटा में 15 से बड़ी वैल्यू है स्टूडेंट्स 50, और देखिए 50 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो यहाँ पर 50 हमने एक बार लिखा। 50 से बड़ी वैल्यू इस डेटा में है 80, और 80 भी एक बार आया है, तो 80 को हमने एक बार लिखा। 80 से बड़ी वैल्यू इस डेटा में है 100, और 100 इस डेटा में एक बार आया है, तो 100 यहाँ पर हमने एक बार लिखा। 100 से बड़ी वैल्यू इस डेटा में है 120, और 120 इस डेटा में एक बार आया है, तो यहाँ पर हमने 120 को एक बार लिखा है। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स कि इस डेटा का मोड क्या है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है, यानी किसी डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, वही वैल्यू उस डेटा का मोड होती है। तो इस डेटा में आप चेक कर सकते हैं कि 15 तीन बार आया है, तो यहाँ पर 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है इस डेटा में, इसलिए इस डेटा का मोड क्या होगा, 15। तो यहाँ पर हमने लिखा मोड इज इक्वल टू 15। अब हम इस डेटा का मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो हमने इस डेटा को पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि इस डेटा में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस डेटा में नंबर ऑफ वैल्यूज है 11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 11, विच इज ओड, क्योंकि 11 एक ओड नंबर है।
और जब भी n ओड नंबर होता है तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे टी एच टर्म। अब ये मीडियन यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी यहाँ पर एज इट इज आएगा। n की जगह यहाँ हम रखेंगे 11, क्योंकि n कितना था? 11। n की जगह यहाँ 11 आया, प्लस का साइन एज इट इज, और 1 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अपॉन में 2 है तो यहाँ पर भी अपॉन में 2 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम ये ब्रैकेट लगाएंगे और टी एच टर्म भी यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। 11 प्लस 1 12 होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 12, अपॉन में जो ये 2 है ये यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाएंगे और टी एच टर्म को एज इट इज लिखेंगे। अब 12 और 2 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 2 से काटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12, तो यहाँ पर अब हमें क्या मिल गया है? सिक्स्थ टर्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू सिक्स्थ टर्म। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जो डाटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसमें जो सिक्स्थ टर्म की वैल्यू होगी वही मीडियन होगी। तो अब हम चेक करेंगे कि जो डाटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसमें सिक्स्थ टर्म की वैल्यू क्या है। देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्स्थ टर्म की वैल्यू कितनी आई है? 15। तो ये 15 ही मीडियन होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है मीडियन इज इक्वल टू 15। इसके बाद हमसे पूछा गया था स्टूडेंट्स कि इस डेटा का मीन, मीडियन और मोड सेम है या नहीं। तो मीन कितना आया था? 39। मोड कितना आया था? मोड आया था 15। और मीडियन कितना आया? मीडियन भी 15 आया, लेकिन मीन क्योंकि 39 है तो मीन, मोड और मीडियन तीनों इक्वल नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दीज थ्री आर नॉट सेम। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।